हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरिंदर साहू फ्रॉम किंग रिसर्च एकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत है किंग रिसर्च फैमिली में। गाइस, मैं लेके आया हूँ आपके पास कल की बात आज, एपिसोड नंबर 33। यानी कि कल डेट है 14 तारीख और आज हम 13 तारीख में बात कर रहे हैं, एडवांस में स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हैं, एडवांस में निफ्टी के बैंक निफ्टीज के लेवल्स की बात कर रहे हैं। उस लेवल्स पर आएगा, हम लोग काम करेंगे कल को, राइट। तो इस एपिसोड को प्यार देने के लिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद मेरी तरफ से आप लोगों को कि आप लोग इतना सारा प्यार दे रहे हो। रात को 1 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ और फिर भी सुबह तक 9 बजे तक आप उसमें 7 से 8 हज़ार व्यूज़ दे देते हो। थैंक यू सो मच फॉर प्यार, फॉर कमेंट। नाउ डेली बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक्स। गाइस, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, जितने लोग यूट्यूबर में आपको स्टॉक सिलेक्शन देते हैं या लेवल्स देते हैं, मेरे लेवल्स कंपेयर कर लेना, उनके लेवल्स निकाल लेना, आपको जमीन आसमान का अंतर दिख जाएगा। नो ब्ला ब्ला, काम बोलता है, बात खत्म। क्या काम बोलता है, चलिए बात करता हूँ। जो मैंने कल एक वीडियो बना के दिया था कि आज किस तरह का मार्केट में काम होगा, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो अप्रैल बैच में स्टूडेंट्स हैं, उनको भी क्लियर कट बोला था, निफ्टी खुलते ही आपको ठोकना है, बैंक निफ्टी खुलते ही आपको ठोकना है, स्टॉक्स में खुलते ही आपको जो अच्छे खासे खुल रहे हैं उनको ठोकना है, उनका परफॉर्मेंस उनको पता है। जो मेरे मई बैच के स्टूडेंट्स हैं, बोला था कि नहीं बोला था, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जिससे कि जो लोग हमारी क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते और जो सोचते हैं कि डाउट है उनको समझ में आए, उनको रिजल्ट मिल सके हमारे परफॉर्मेंस का। एनीवे, प्रीवियस डे परफॉर्मेंस, कल निफ्टी का लेवल दिया था मेरे भाई, क्लियर कट बोला था आप लोगों को किस लेवल पे बाई करना है, किस लेवल पे सेल करना है, बोला था कि गैप अप खुलते ही आपको ठोकना है और वहां से हमारे पॉइंट से 200 पॉइंट्स का डाउन है निफ्टी के अंदर। बजाज ऑल्टो मेल्टिंग लाइक आइसक्रीम, गर्मी के सीजन में आइसिंग जिस तरह से मेल्ट होता है, बजाज ऑटो मेल्ट हुआ। भले ही मार्केट आज अच्छा खासा तेजी में दिखा रहा था, गैप अप था, स्ट्रेंथ था, बट जो हमने दे दिया ठोको तो ठोको, बात खत्म। 2732 2686 2% का डाउन। अंबुजा सीमेंट, आपका सीमेंट, सबसे प्यारा सीमेंट अंबुजा सीमेंट, फायर फ्रॉम 182-191 का 4.5% की मूवमेंट इसमें हमने आपको दिखाई इंट्राडे में। सिप्ला एडवांस में बोला था कि बॉस ठोक देना, 596 से 570 का 5% सिप्ला डाउन हो गया। हैवल्स बोला था, क्लियर कट बोला था हैवल्स में, प्लीज हैवल्स में दो लेवल दिए थे, मैंने बोला था अगर गैप अप खुलता है कम से कम, मैंने आपको अगर याद होगा हैवल्स के लेवल, मेरा जो लोग को थोड़ा सा डाउट है या फिर कंफ्यूजन में, गाइस प्लीज़ मेरा पुराना एपिसोड जरूर 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 देख लेना, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको अपने हैवल्स का लेवल दिया था। क्या दिया था, ध्यान से समझना, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, लिसन इट वेरी केयरफुली। इफ ओपन नियर 496-507, इसके बीच में कहीं ओपन होता तो हम ठोकते, तब हम सेल करते 590 का SL लगा के, और अगर ये फ्लैट ओपन हुआ यानी कि 1 से 1.5% के आसपास कहीं ओपन हुआ, हम सिर्फ बाई करने का सोचेंगे 470 के SL के साथ। मेरे भाई दिमाग लगाना, कहाँ पे खुला, 1.5% के आसपास ही हमारा स्टॉक खुला है, वहाँ पे हम सिर्फ बाई करने का सोचेंगे, बूम बूम बूम। कितने का, 486 से 514, कैलकुलेट योरसेल्फ कितने पॉइंट्स होते हैं, कितना परसेंटेज होता है। नो ब्ला ब्ला, हम 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये के लिए काम नहीं करते, कुछ बड़ा सोचते हैं। बर्जर पेन, ग्लैनमार्क, अरविंदो, बैंक निफ्टी कॉल्स आर नॉट एक्टिवेटेड। ओके, अब मैं बात करूंगा कल किन किन निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, कैसे लेवल्स हमारे काम करते हैं, और हमारे लेवल्स बहुत बहुत पावरफुल है निफ्टी बैंक निफ्टी डंके की चोट में, आपको मैं बोल सकता हूं, आप खुद चेक करिए। यस, निफ्टी फ्यूचर लास्ट क्लोज 9391। Have you seen what happened, crying babies? What I told you yesterday, around 9570 ठोको ठोको ठोको, around 9550 पे ओपन हुआ and crash vertical like melt ice cream. बिल्कुल आइसक्रीम जैसे पिघलती है वैसे पिघलती है, made a low 9356 approx 200 points. Enjoy or not? Please comment section में जरूर बताना आपने पैसा बनाया कि नहीं बनाया. Today, now what you expect? Below 9430? शार्प पैनिक, ध्यान से समझना, हम कल की बात कर रहे हैं, यानी कि कल क्या होने वाला है, 9430 के नीचे शार्प पैनिक वी कैन सी विद स्टॉप लॉस 9470, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, ठोको एंड सेट रिलैक्स, पैनिक स्लाइड अप टू 9270, 9230, 9170, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाय एट ऑल। यस, अराउंड 9170 के पास आएगा
तब हम कूदेंगे और बाई करना का सोचेंगे। 9170 9130 डायरी में नोट कर लेना, अंगूठा लगा देना इस पे मेरे भाई, ये लेवल आएगा तो ही बाई करेंगे, अदरवाइज टॉप के लेवल पे सिर्फ ठोको ठोको ठोको। ठीक है, अब मैं बात करता हूं बैंक निफ्टी के लेवल्स के। यस, लास्ट क्लोज 19,680, नो वे फॉर बाई, नो वे फॉर गोइंग बाइंग साइड बिलो 19,830, ओनली पैनिक, गो शॉर्ट, टेक स्मॉल रिस्क, कीप स्टॉप लॉस 19,970, छोटा सा रिस्क लेके ट्रेड करो। लक्ष्मण रेखा जोन 2270 का ऊपर का जोन है, उसके ऊपर आएगा तो ही बाई का सोचेंगे, तब तक हम इसको ठोको ठोको ठोको। यस, वंस क्रॉस देन ओनली थिंक फॉर बाई विद स्टॉप लॉस 19,970 एंड गो लॉन्ग, इट विल जूम टू किस 1,000 पॉइंट कम से कम, राइट। SBI का लेवल, अब मैं पावर ऑफ स्टॉक सिलेक्शन आपको दिखाता हूँ। SBI का लेवल का रडार पे लेना, आपको याद होगा 175 से प्रीवियस लास्ट टाइम भी हमने ठोकने के लिए बोला था, वहां से 160 का लो मारा है, 2 से 3 दिन के अंदर रिजल्ट आपके सामने, काम आपके सामने। दोबारा बोल रहा हूँ, यस, हडल 181 186, इफ यू कैन गो शॉर्ट SBI फॉर 1 वीक एंड सिट रिलैक्स, पैनिक स्लाइड अप टू 157 155, और मेरे भाई दिमाग का ढक्कन खोल के सुनना, 100 के नीचे आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, आई मीन टू से 2 डिजिट में भी SBI आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान से समझना। आप सबका बैंक, मेरा भी बैंक, कुछ समथिंग कुकिंग बिग। महिंद्रा एंड महिंद्रा लास्ट क्लोज 410, यस, ऑन राइज, ओनली सेल, बिग नेगेटिव सेल्स डाटा विल कम, माई लक्ष्मण रेखा जोन 417 421, बिलो 408 मोर पैनिक ऑन कार्ड, अप टू 386 374। एस्कॉट की बात करूंगा, 810 का लास्ट क्लोज हुआ, लक्ष्मण रेखा 817 826, बिलो 805 ओनली ठोको, अप टू 760 747। बाटा इंडिया अबव 1365, समथिंग कुकिंग बिग इन दिस बाटा चार्ट, कीप स्टॉप लॉस 1350, गो लॉन्ग, बहुत प्रॉब्लम हो गया था, समथिंग कुकिंग बिग, ध्यान से इसको बाई करना। यस गाइस, हम्बल रिक्वेस्ट है, आज भी मेरे को बहुत सारे आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी व्हाट्सएप पे, सर ऑरो फार्मा में ट्रेड किया है, सर इसमें मैंने ट्रेड कर लिया। मेरे भाई ध्यान से समझो, पहला 5 मिनट का कैंडल का यू शुड वेट, अगर पहला 5 मिनट, अगर आपको बाई मैंने दिया है पहला 5 मिनट का कैंडल, वेट करो, पहले 5 मिनट के कैंडल के बाद ही आपको एंट्री करनी है। सेल दिया है तो भी पहला 5 मिनट के कैंडल के बाद ही सेल करना है, जल्दबरदस्ती मत करो। मैंने ओपनिंग बेल पे भी बोलता हूँ, मतलब 5 मिनट का वेट करने के बाद ही काम करना है, रूल फॉलो नहीं करोगे पनिशमेंट आपको मिलेगी, मार्केट अपने आप सुप्रीम है, वो आपको दे देगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मैक्स टू मैक्स 2% से ज़्यादा का स्टॉप लॉस होना ही, मैंने जो दिया वो तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो 2% से ज़्यादा का आपको किसी स्टॉक में स्टॉप लॉस नहीं लगाना, बात खत्म। ये रूल फॉर द इंट्राडे ट्रेड का जो है मैं एपिसोड देता हूँ। और भाई अभी तक जिन लोगों ने 23 मई के लिए 11 से 1 बजे का जो सेशन है, सुबह 11 से 1 बजे का सेशन है, 2 घंटे का सेशन है, उस सेशन में आप लोग देखते हो ना मेरा स्टॉक सिलेक्शन है कैसे करता हूँ, लेवल्स आपके पास है भाई, सोच के देखो, मल्टी बैगर स्टॉक्स वो होते हैं जो वाकई में कुछ पावरफुल इन्वेस्टर्स, बड़े FIs DIs उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, बड़े बड़े कंपनी उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और वो जब स्टॉक भागता है उसको पावरफुल मल्टी बैगर स्टॉक्स बोलते हैं। और आप क्या बोलते हो, आपसे दुनिया क्या बोलती है, किन स्टॉक्स पे लगाओ, निफ्टी 50 के लगाओ, निफ्टी 20 में कर लो, इंडेक्स में ट्रेड कर लो, काहे को इसमें लगाते हो। स्टॉक सिलेक्शन का एक्चुअल मेथड समझो मेरे भाई, वो नहीं जो दुनिया है, दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सिर्फ 2500 रुपीज़ का है, अप टू 500 मेंबर्स के लिए, 500 के बाद आपको 5000 रुपीज़ पे करना है, और ऑलमोस्ट हाउसफुल होने वाला है, कुछ सीटें बची हैं, 15-20-25 सीटें बची हैं, जब तक ऑफर है ले लो, उसके बाद मैं भी कुछ नहीं कहूँगा, 5000 पूरा पे करना पड़ेगा। ये सोच लो सर, 250 रुपये जो ले रहा हूँ, 2500 रुपीज़ जो ले रहा हूँ, पीनट्स हैं, क्योंकि इस मार्केट में आप लाखों रुपये गवा देते हो। क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा ट्रॉलर है, मेरी ये स्ट्रैटेजी उस तक ना पहुँच सके, इसलिए ले रहा हूँ, और जो मेरे को प्रॉपर फॉलो करता है गाइस, बैंग ऑन, डेफिनेटली लेना। मैं अगेन बोल रहा हूँ, डंके की चोट में मनी बैक गारंटी, अगर मेरा स्ट्रैटेजी काम ना करे, जो स्टॉक आप बोलोगे उस स्टॉक के अंदर मैं आपको बैक टेस्ट दिखा दूंगा 23 मई को लाइव 11 बजे रूबरू होते हैं और मजा लेते हैं। सिर्फ इतना सिंपल, कोई इंडिकेटर कुछ नहीं लगाना, प्योर प्राइस एक्शन गेम, आई विल गिव यू द प्योर प्राइस एक्शन गेम, 5 साल के लिए रख लो, 300 से 500% ROI की बात कर रहा हूँ,
निफ्टी 20 कितनी देगी, निफ्टी 50 के स्टॉक्स कितना परसेंट देंगे, दिमाग लगाओ। मैं बात कर रहा हूँ कुछ ऐसा जो कभी ना देखा हो, रॉकेट बने रॉकेट, और प्रॉपर एग्जिट के साथ। कोई दुनिया आपको एग्जिट नहीं बताएगी, सब ब्ला ब्ला ब्ला, कोई एग्जिट नहीं बताएगी। ओपन चैलेंज, ना किसी किताब में ना किसी बुक में मेरी स्ट्रैटेजी मिलने वाली है, राइट? आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको लेवल से मेरे हेल्प हो रही होगी। अगर आपको हेल्प हो रही है गाइस, प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब कर डालो, शेयर कर डालो। और अगर आपका लाइक दबाओगे सर, तभी मुझे समझ में आएगा कि मैं रात को 12 एक बजे आपके लिए अगर मेहनत कर रहा हूँ, आप तक पहुँच पा रही है। क्योंकि अगर आप तक मुझे नहीं बताओगे, मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलेगा, मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए नहीं बना पाऊंगा। भाई मेहनत लगती है सर, हर चीज़ बनाने में, पीपीटी बनाने में, रिसर्च करने में, एनालिस करने में, आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आप किसी भी टिप्स वाले को पैसे ना दो, फ्री में आपको चीज़ें मिल जाए, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत ना। अगर मेरी मेहनत आपको दिख रही है, ठोको लाइक, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग। अपना ध्यान रखो मेरे भाई, घर पे रहो और सेफ रहो। Happy trading to all of you.